ये क्वेश्चन नंबर 12 है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट. तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिमिलरली डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में लेके आएंगे, और साइन जैसे पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर देंगे. तो ये हमारा ऐसे ये ऊपर गया और ये नीचे आया, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में गया, और ये हमारा -5 हो गया. इक्वल टू 7 में 1 मतलब 7 to the power -5. ये हमारा दो डबल पावर्स है यहाँ पर और यहाँ पर. 3 to the power 2 into 9 इक्वल टू 3 to the power 18. तो 3 मतलब 3 by 1 to the power 18 है. अगर पावर को नेगेटिव करना है तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आएगा और पावर नेगेटिव हो जाएगा. ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये नेक्स्ट है इक्वल टू 5 to the power मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए पावर्स को हम लोग ऐड करेंगे. 3 plus 2 इक्वल टू 5 to the power 5. तो 5 to the power 5 मतलब 5 by 1 to the power 5 इक्वल टू, अभी पावर को नेगेटिव करेंगे तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आएगा और पावर हमारा माइनस हो जाएगा. ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है. -8 by 9 दो पावर से, इसलिए 3 into 2 हो जाएगा इक्वल टू -8 by 9 to the power 6. पावर को नेगेटिव करना है इसलिए ये न्यूमरेटर में जाएगा 9 by, ये डेनोमिनेटर में आएगा -8 to the power -6 इक्वल टू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, -9 by 8 to the power -6. ये नेक्स्ट है, ये इक्वल टू 5 by 7 डिवीजन है, बेस सेम है, to the power 3 minus 2. पावर्स को माइनस करेंगे इक्वल टू 5 by 7 to the power 1. पावर को नेगेटिव करना है तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आएगा और इसका पावर -1 हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे. 2 to the power 6 डिवाइड बाय 2 to the power 5 डिवीजन है, इसके पावर्स को माइनस करेंगे इनटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 to the power 1 into 2 square इक्वल टू 2 to the power मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए पावर्स ऐड होंगे, 1 plus 2 इक्वल टू 2 to the power 3, यहाँ पे करती हूँ इक्वल टू 2 to the power 3. 2 मतलब ये 2 by 1 to the power 3 है. पावर नेगेटिव होगा तो 1 न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आएगा और पावर हमारा नेगेटिव हो जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे.